प्रदेश में मरीजों को स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ से उपचार, जांच व दवाओं की सुविधा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाता है। गोंडा जिले में यह आरोग्य मेला महज खाना पूर्ति तक सीमित रहते हुए दिख रहा है। सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल आरोग्य मेले में डॉक्टर व फार्मासिस्ट नहीं बल्कि सुरक्षा गार्ड लाल पीली गोली बांटकर मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 24 नवंबर यानी रविवार को गोंडा के 52 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मेले का आयोजन का दावा किया गया, लेकिन जमीनी हकीकत दावे से इतर मिली। आइए विस्तार से बताते हैं आरोग्य मेलों का आंखों देखा हाल। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। सीएचसी काजी देवर क्षेत्र के पीएससी पंत नगर में अव्यवस्थाएं नजर आई। आशा बहु बिंदु शुक्ला, उषा यादव व किरण शुक्ला बाहर बैठी धूप सेक रही थी। दवा वितरण काउंटर पर गार्ड बरकत अली बैठे थे। उन्होंने बताया कि सर्दी जुखाम व बुखार के मरीजों को दवा दे दी है। मेले में एलटी नेहा व वार्ड सहायक उपमा यादव मौजूद रही। गार्ड ने बताया कि डॉक्टर पाटला पांडे व फार्मासिस्ट दीपेश वर्मा थोड़ी देर में आएंगे। वहीं सीएससी छपिया के मस्कनवा पीएससी पर विशेषज्ञ नहीं बल्कि आयुष चिकित्सक ने एलोपैथ उपचार करके मेले की खाना पूर्ति कर दी। दोपहर तक 20 मरीज उपचार कराने पहुंचे, इनमें सर्दी जुखाम बुखार व पेट दर्द से संबंधित रोगी थे। इस दौरान आयुष चिकित्सक डॉक्टर पवन पटवा, एलए छांगुर प्रसाद व वार्ड बॉय अनूप कुमार मौजूद रहे। इटिया थोक के पीएससी तकिया मनोहर में किसी एमबीबीएस या विशेषज्ञ चिकित्सक की ड्यूटी नहीं लगाई गई। यहां राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आयुष चिकित्सक डॉक्टर दुर्ग विजय ने 30 मरीजों का उपचार किया। इसमें सर्दी जुखाम व बुखार के मरीज रहे। यहाँ स्टाफ नर्स रागनी तिवारी व फार्मासिस्ट प्रदीप राव मौजूद रहे। आइए बात करते हैं आरोग्य मेले में होने वाली व्यवस्थाओं के बारे में। मेले में एमबीबीएस, आयुष व आरबीएस के 3 से 4 डॉक्टरों की उपस्थिति होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट व पैरामेडिकल के प्रशिक्षुओं का सहयोग लिया जाना चाहिए। खून की सभी प्रकार की जांचें व आवश्यक दवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए। आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व एएनएम की ओर से स्टाल लगाकर विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में पंजीकरण करना चाहिए। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संस्थागत प्रसव, टीकाकरण व स्तनपान के लिए जागरूकता लानी चाहिए। सभी पीएससी पर कम से कम एक महिला चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति होनी ही चाहिए। हालांकि सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा फील्ड में नजर आई। उन्होंने बालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेत कई स्थानों पर आयोजित आरोग्य मेले का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, व्यवस्थाएं परखी। जिन स्थानों पर लापरवाही की सूचना मिली उन चिकित्सकों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। वीडियो में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।